मध्य प्रदेश के खरगोन में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां सुअर पकड़ने के लिए महू से बुलाई टीम पर सुअर पालकों ने मिर्च पाउडर फेंक कर जानलेवा हमला किया। टीम के कर्मचारियों को मिनी ट्रक के अंदर लठ से जानवरों की तरफ पीटा। बेबस कर्मचारी मिनी ट्रक के बाहर भी ना आ सके। तीन कर्मचारियों के हाथ पैर टूट गए। एक कर्मचारी का सर, जबड़ा, हाथ पैर टूटे। कर्मचारियों पर सुअर पालक तब तक लठ बरसाते रहे जब तक कर्मचारी निढाल नहीं हो गए। यही नहीं, सुअर पालकों ने एक जीप के कांच भी तोड़ दिए। गुंडागर्दी का नंगा नाच करीब एक घंटे चला। लोग मूक दर्शक बने देखते रहे। पुलिस ने बलवा, जानलेवा हमला सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। तीन को गिरफ्तार भी किया है। शहर में सुअरों की तादाद बढ़ने पर नगर पालिका ने सुअर पकड़ने वाली टीम इंदौर जिले के महू से बुलाया था। टीम के कर्मचारी चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग पर बिस्टान नाके पर पहुंची। दोपहर तक पुलिस जवानों की उपस्थिति में सुअर पकड़े गए, लेकिन दोपहर बाद जब शाम के समय सुअर पकड़ने वाली टीम नगरपालिका कर्मचारियों के साथ पहुंची तो इस दौरान पुलिस जवान साथ नहीं थे। मौके का फायदा उठाते हुए सुअर पालकों ने सुअर पकड़ने वाली टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। लठ और हथियार से लैस सुअर पालकों ने मिनी ट्रक के अंदर टीम के कर्मचारियों की आंख पर मिर्च पाउडर फेंक कर जानवरों की तरह हमला किया। टीम के कर्मचारियों को जानवरों की तरह पीटना भी शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले के कारण अफरा तफरी मच गई और कोई उक्त स्थान पर नहीं टिक सका। सुअर पालकों ने कर्मचारियों को इतना मारा कि वो अधमरे हो गए। इस दौरान किसी ने कार के अंदर से मारपीट का लाइव वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया। सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। चोट भी लगी तुम्हारे को? अच्छा, दिख रहा है समझ में आ रही है। ये क्या डाला है आपको? मिर्ची डाल दी थी। धर्मेंद्र भैया। ये शर्ट पे मिर्ची दिख रही है आपके? हाँ जी। कितने डाली है? ये उन्हीं लोगों ने डाली। धर्मेंद्र पूरा नाम क्या है? मतलब आँख में मिर्ची डाली? हाँ, मिर्ची डाल के मारा भैया। वो एरिया तो अपने को नहीं मालूम, मालवीय नगर क्या बोलते हैं उसको, उधर गए थे। मारा क्यों? वो सुअर के चक्कर में। सुअर मालिकों ने मारा? हाँ। कब? नगर पालिका ने भेजा था? नगर पालिका की गाड़ी भी साथ में थी, पुलिस वाले भी सब साथ में थे, मगर वो एंड टाइम पे पुलिस वाले कहाँ चले गए मेरे को भी नहीं मालूम। कितने पुलिस वाले गए थे आपके साथ? चार पुलिस वाले थे, पहले दो आए थे, फिर बाद में चार आए, दो और आ गए, मतलब चार हो गए। क्या नाम आपका? जयदीप चौहान। टीम आई थी, उस पर बहुत बुरी तरह से मारा है। ये काफ़ी दिनों से शहर में सुअरों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी, काफ़ी शिकायतें भी मिलती गई थी। फिर हमने ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित करे थे, उस टेंडर में यह महू का धर्मेंद्र करके उसका टेंडर हुआ है यहाँ सुअर पकड़ने के लिए। तो आज से उसने कार्रवाई प्रारंभ करी थी ये बिस्टान रोड से। तो दोपहर में पता चला कि सुअर मालिकों द्वारा इनके ऊपर हमला कर दिया। पुलिस नहीं थी सर? पुलिस नहीं थी, पुलिस आई थी जरूर, लेकिन कुछ देर बाद वो चली गई थी। यदि पुलिस रहती तो ये घटना नहीं हो पाती। जिस तरह से मारपीट हुई है, जानवरों की तरह पीटा है उन्हें, क्या लगता है इससे गुंडागर्दी, मतलब शहर में बहुत गुंडागर्दी? इसके पहले भी मैं बहुत बार इनसे बहस कर चुका हूँ और मेरे कर्मचारी भी इनसे बहुत परेशान थे। ये हमारे कर्मचारियों को बहुत दादागिरी आए दिन करते रहते थे, इसलिए हमने ये टेंडर कॉल किया था और बाहर के लोगों को बुलाया था। आपको मिर्ची भी डाली? हाँ, आंखों में मिर्ची डाल के मारा, पता चला अभी कर्मचारियों ने। जब इतने वो दबंग या इस तरह दादागिरी कर रहे हैं, तो फिर पुलिस साथ में क्यों नहीं है? पुलिस कुछ देर के लिए आई थी, फिर चली गई, हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अभी हमने पुलिस में FIR करी है और हमने उनसे अनुरोध किया कि इनको रात में ही तत्काल अरेस्ट किया जाए और जितने भी सुअर मालिक है उनको मई परिवार सहित गिरफ्तार किया जाए। मारने वाले को पहचान हो गई? हाँ हाँ, सभी पहचानते हैं, हम लोग पहचानते हैं, और नाम तो नहीं आते लेकिन चेहरे से पहचानते। ये सुअर के वजह से था? क्या मामला क्या है पूरा? मतलब सुअर पकड़ने के लिए नगर पालिका ने बुलाया था। हाँ, और सब गाड़ियाँ भी बुलाई थी, गाड़ी वाले भी आए थे, पुलिस वाले भी थे, मगर एंड टाइम पे पुलिस वाले जाने कहाँ चले गए। और हम सुअर पकड़ रहे थे वहाँ पे, पीछे से आया उन्होंने पत्थर भी मारना चालू कर दिया और लठी लठ मारना शुरू कर दिया। कितने लोग थे? 40 जने थे। 30-40 लोग थे? 30-40 जने। तो आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी मारा पीटी करी। और ये मिर्ची दिख रही? मिर्ची भी डाला है। काय में मिर्ची काय में डाल दी? मुँह पे डाला, आँखों में डाला। कितने लोग थे पकड़ने वाले? कितने लोग थे पकड़ने वाले? 15-20 जने थे। सभी को मारा? सबको मारा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग महू से आए। महू से आए? किसने बुलवाया था आपको? क्या नाम है आपका? जयदीप चौहान।
हुई आप लोगों के साथ? सर हम खरगोन आए थे, हमें बुलाया गया था सुअर पकड़ने के लिए, मऊ से आए। किसने बुलाया था? नगर पालिका द्वारा बुलाया गया था। ठीक। और सुबह हमारे साथ पुलिस थी, पुलिस के जाने के बाद में वो नगर पालिका के साथ में थे भाइयन, और उसके बाद में हमारे ऊपर अचानक हमला हुआ और हमारे दो आदमी घायल हैं। कितने लोगों ने हमला करा? सब कम से 30-40 आदमी हमला करा। हमारा क्या था? औजार लेकर के हमला करा। हमला करने का कारण? हम सुअर पकड़ने आए थे उनके। ये सुअर वालों ने आपके ऊपर हमला? जी, सुअर वालों ने करा हम पर हमला। तो क्या कारण है आपकी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़ा नहीं सर, हम नगर पालिका हमें ठेका देती जानवर सफा स्वच्छ भारत अभियान चलाने के लिए, तो उस अभियान को चलाने के लिए हम नगर पालिका में बुलाती, तो हम जनता के हित में काम कर, और यहाँ पर हमारे साथ हमला हुआ, हादसा हुआ हमारे साथ, हमारे आदमी को चोटें आई हैं। एक आदमी है और एक नगर पालिका का आदमी घायल है। मिर्ची वगैरह डाली है आँखों में। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। आप कौन हो? ये क्या घटनाक्रम था, किस तरीके की मारपीट हुई है और क्या कारण रहा? ये जानवर पकड़ने के लिए टीम आई थी, और वो टीम जब उसके साथ मेरी भी ड्यूटी लग रही थी कि इनको एरिया दिखाना है, ये नए लोग थे, इनको एरिया दिखाने के लिए ले गए थे। तो सवेरे से ही जो 11 बजे के बाद से जब निकले, तो ये सारे लोग जो थे सुअर वाले खरगोन वाले, ये हमारा पीछा कर रहे थे। करते करते इन्होंने ग्रीन पार्क के अंदर मौका देखा कि यहाँ कोई नहीं है, तो इन्होंने डायरेक्ट लटों से और हथियार लेके आए थे, और मिर्चियाँ आँखों में मिर्चियाँ मारे और पाँव हाथ तोड़ कर पटक रहे थे। ये हथियार में क्या क्या था? ये था तलवार भी थी, लट भी थे, बहुत सारे सामान लेके थे, टामिया लेके आए थे। कितने लोग थे ये? कम से कम 20-25 आदमी। इनके पास तो सरकारी आदेश था, सरकारी बाधा हुई है, किसी तरीके का कोई केस दर्ज किया जा रहा है? तो ये अभी हमारे अधिकारी क्या डिसीजन लेते हैं, ये अधिकारी का है। हाजी जफर खान। कितने लोग से? जी। ये नगर पालिका परिषद खरगोन एक सुअर के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है इनके द्वारा, जिसमें एक टीम इन्होंने अनुबंध की है महू से, जो अपना काम कर रही थी उसको मिडिल हाफ तक, लंच तक हमने पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया था, और वो लोग सुअर पकड़ने काम कर रहे थे। लेकिन जो लोकल सुअर पालक हैं उनको जब इनके सुअर वुअर पकड़े गए, तो उन्होंने अचानक एक साथ इकट्ठे होकर अचानक इन पर हमला कर दिया, जिससे 3-4 लोगों को चोटें लगी जो हॉस्पिटल में है अभी। और इनके खिलाफ हमने, जिन लोगों ने हमला किया है इनके खिलाफ, मारपीट और बलवे का मुकदमा कायम किया, इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोगों को गिरफ्तारी कर रहे हैं। जानवरों की तरह मारा है, उस पर बहुत ही कठोर एक्शन हम लोग लेंगे और इनके खिलाफ कई तरह की कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित हैं। ये लोग मिर्ची लेकर आए थे सर, ऐसी अभी जानकारी मिली है, तो जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है सभी सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोग खिलाफ की जाएगी। गाड़ी का कांच फोड़ने की भी सूचना मिली है, जो उनके पास लोडर वाहन था उसमें भी हम लोग उसके खिलाफ जो एक्शन है वो लेंगे। पुलिस ने अभी इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है, इनमें से कई लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी लोगों की गिरफ्तारी अभी जारी है, और जो इनके अवैधानिक कृत्य हैं या जो बाड़े या सुअरों के ठिकाने इन्होंने अवैधानिक बनाए हुए हैं, उन नगर निगम की सहायता से उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।